हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेपर्ड ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि सेंट्रल इंटरपोलेशन के लिए यूजफुल होते हैं। सो सेंट्रल इंटरपोलेशन के लिए जो सेपर्ड ऑपरेटर होता है, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए हमने पहले भी बहुत से ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया है, लाइक डेल्टा, नेबला, शिफ्ट ऑपरेटर। एंड हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन होता है फॉर इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल, न्यूटन्स फार्मूला, लैग्रांज फार्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। सो फर्दर हम आगे इसी टाइप से पूरा जो कोर्स है बीएससी का, वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो बात करते हैं शेपर्ड्स ऑपरेटर के बारे में। शेपर्ड्स ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली शेपर्ड्स, डॉक्टर शेपर्ड्स मैथमेटिशियन थे। उन्होंने दो ऑपरेटर्स के साथ में कुछ रिलेशंस बनाए थे। हम उन ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेटर था जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को डेल से डिनोट करते हैं, इस टाइप के डेल से। और इसको किस टाइप से डिफाइन किया जाता है, अगर मैं बात करूं तो हम किसी फंक्शन के साथ में डेल्टा या फिर इस डेल को लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है एफ एक्स प्लस एच बाई टू, वेयर एच इज द इक्वल, एच इज द इंटरवल। ओके, और यहाँ पे ये फॉर इक्वल इंटरवल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पे इक्वल इंटरवल होता है वहां पे एच का यूज होता है। ओके, सो नाउ माइनस हम इसमें से करेंगे एक्स माइनस एच बाई टू। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। और हम इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में, कि ये वन बाई टू हो जाएगा और ये एफ एक्स हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वन बाई टू हो जाएगा और ये एफ एक्स हो जाएगा। अब ये क्या किया हमने यहाँ पे, आप समझे, इसका यूज हमने क्या, शिफ्ट ऑपरेटर, एक ऑपरेटर होता है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है? शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे अगर ई की पावर अगर एन लगा हुआ है तो वो क्या करता है उस फंक्शन में। ओके, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स के साथ में ये ऑपरेटर यूज वर्क कर रहा है तो उसको क्या करेगा, एच प्लस एन एच कर देगा, यानी कि उसमें एन टाइम्स एच को ऐड कर देगा, मतलब जितनी पावर है उतने टाइम्स क्या कर देगा, उसमें एच ऐड कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन बाई टू एच है तो इसकी पावर वन बाई टू हो जाएगी। हमने इसको वापस रिवर्स प्रोसेस में लिखा है। सो वी कैन राइट एज डेल एफ एक्स एंड ये हो जाएगा e टू दी पावर वन बाई टू माइनस माइनस वन बाई टू एंड देन ये हो जाएगा एफ एक्स। ओके, सो एफ एक्स इज द आर्बिट्री फंक्शन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज द डेल्टा इज इक्वल टू e टू दी पावर वन बाई टू माइनस e टू दी पावर माइनस वन बाई टू। तो इस टाइप से हमारा ये जो सेंट्रल ऑपरेटर होता है वो ऐसे डिफाइन होता है कि सेंट्रल ऑपरेटर क्या होता है। तो ये डेल्टा होता है, डेल्टा दैट इज द e टू दी पावर वन बाई टू माइनस e टू दी पावर माइनस वन बाई टू। ओके, सो इसी टाइप से एक और ऑपरेटर के बारे में डॉक्टर सेफर्ड ने काम किया था, वो था एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर। हम इनके बारे में रिलेशंस के भी बात करेंगे, अभी हम इनके जो जनरल डेफिनेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? एक्चुअली एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर को म्यू से डिनोट किया जाता है। इसकी भी एक डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो म्यू किसी फंक्शन के साथ में लगा हुआ है उसका मतलब होता है एवरेज, मतलब वन बाई टू हो जाएगा और क्या करना है आपको, एफ एच प्लस एच बाई टू को आपको ऐड करना है किसके साथ में, एफ माइनस एच बाई टू के साथ में, इसका आपको एवरेज लेना है। इस टाइप से इसको एवरेज ले सकते हैं और ये हो जाएगा एफ एक्स, ओके, म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू ये वन बाई टू हो जाएगा। वापस हम शिफ्ट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू एफ एक्स और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर माइनस वन बाई टू एफ एक्स हो जाएगा एंड देन एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, एफ एक्स इज द आर्बिट्री एंड देन म्यू इज इक्वल टू वन बाई टू ई टू दी पावर वन बाई टू प्लस ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस वन बाई टू, दैट इज द एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब हम इसमें कुछ रिलेशंस भी लाएंगे, उससे पहले हम एक और ऑपरेटर को पढ़ लेते हैं जो कि है सेंट्रल सम ऑपरेटर। इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सेंट्रल सम इसको कहते हैं। अब ये सेंट्रल सम ऑपरेटर का क्या मीनिंग होता है तो इसको समझें। सेंट्रल सम ऑपरेटर को हम इस टाइप से लिखते हैं, इसका अगर मैं किसी फंक्शन एफ एक्स के साथ में, लेट कोई फंक्शन हमारा इस टाइप से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू।
ओके तो इस टाइप से हमारा कोई फंक्शन है और उसके साथ में सिग्मा मल्टीप्लाई में करते हैं, तो ये एक डेफिनेशन होती है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये e है तो ये हो जाएगा e टू द पावर 1/2 माइनस, ये हो जाएगा -1/2 और fx हमने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। एंड देन ये हो जाएगा fx, तो fx इज द आर्बिट्री, तो इसको हम हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e 1/2 माइनस e पावर -1/2। अब ये जो है हमने ऊपर भी प्रूफ किया, दिस इज द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर यानी कि डेल्टा, तो हम क्या कर देंगे, इसको डेल्टा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सिग्मा इनटू डेल्टा एंड देन सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा। एक्चुअली दिस इज द इनवर्स ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा का इनवर्स होता है, और डेल्टा का जो वैल्यू आती है उसको अगर आप इनवर्स करते हैं, दैट इज द सेंट्रल सम ऑपरेटर। तो ये कुछ तीन ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑपरेटर था हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हमने डेल्टा से डिनोट किया। सेकंड हमारा था म्यू, जिसको हमने एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर के नाम से कहा, दिस इज द एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर। ओके ये एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेंट्रल सम ऑपरेटर के बारे में, दिस इज एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज द सेंट्रल सम ऑपरेटर। तो ये कुछ तीन जो फॉर्मूले हमने देखे हैं, अब उनमें नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और बहुत से रिलेशंस हैं, 4 से 5 रिलेशन इसमें हैं, उनके बारे में पूरा डेरिवेशन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये जो टॉपिक और इनके डेफिनेशन जो है वो समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड टेक केयर।